SRM टुडे शहर की आवाज। कांग्रेस में राजेंद्र सिंह गौतम की वापसी हो चुकी है। उन्हें समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी में भूचाल आया हुआ है, जिसके चलते अभी तक कांग्रेस के कई नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे दे दिए गए हैं। मंदसौर के गौतम की कांग्रेस में वापसी, यानी क्षेत्र में कांग्रेस के लंबे समय से हमारे क्षेत्र में विपक्ष नाम का पक्षी विलुप्त सा हो गया था। आम जनता की परेशानियों पर तो ठीक, कांग्रेस कर्मठ कार्यकर्ताओं की ओर से भी कांग्रेस में कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब इन सब बातों का जवाब मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस में राजेंद्र सिंह गौतम साहब के सालों का वनवास अब समाप्त हो गया है। यह बात कहीं ना कहीं सड़क पर सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने वाले छोटे छोटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि राजेंद्र सिंह गौतम के पुनः मैदान में आने से कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ताकत बहुत बड़ी है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो तारीफ के काबिल है। आज क्षेत्र की कांग्रेस को राजेंद्र सिंह गौतम जैसे लड़ाकू जाबाज कांग्रेस नेताओं की जरूरत है, जो क्षेत्र में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को फिर से जिंदा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। गौतम साहब जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तब कांग्रेस विरोधियों के मुंह पर ताले लटके होते थे, लेकिन जब से गौतम साहब और इन जैसे कई लड़ाकू जाबाज नेताओं की कांग्रेस में अनदेखी हुई, तब से कांग्रेस इस क्षेत्र में मरणासन अवस्था में पहुँच गयी थी, लेकिन अब पुनः कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खोई हुई ताकत लौट आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फिर से पुरानी दवा आजमाई है, यानी कांग्रेस ने पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गौतम की वापसी करवाई है। इस वापसी को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता और पदाधिकारियों द्वारा अपने इस्तीफे भी सौंपे गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मोहम्मद यूसुफ कड़पा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी के नाम, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया को इस्तीफा सौंपा है, जिसमें कहा है कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2009 में मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर कांग्रेस से निष्कासित एवं विधानसभा चुनाव 2013 में कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने वाले राजेंद्र सिंह गौतम को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में समन्वय समिति में सदस्य बनाए जाने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। राजेंद्र सिंह गौतम पिछले कई वर्षों से कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य करते आ रहे हैं, तथा पिछले कई वर्षों से उनका कार्य रहा कि नगरपालिका चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, मंडी कमेटी के चुनाव, विधानसभा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ कार्य करते रहे हैं। गौतम ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। कांग्रेस की राजनीति में उन्होंने कभी भी समन्वय की भूमिका का निर्वहन नहीं किया। पिछले वर्षों में उनके आचरण एवं व्यवहार में कोई सुधार नहीं होने तथा अनेक अवसरों पर कांग्रेस की सार्वजनिक रूप से खिलाफत कर भाजपा को लाभ पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे पार्टी से निष्कासित व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति में सदस्य बनाए जाने का विरोध करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया गया। गौतम की वापसी के विरोध में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, मंदसौर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी 2013 महेंद्र सिंह गुर्जर, आशु संचेती, राघवेंद्र सिंह तोमर सहित जिले के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंपे हैं। ये सब देखकर एक बात तो सामने आ गई है कि गौतम की वापसी से पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी में भूचाल मचा हुआ है। राहुल गांधी के आने से पहले गुटबाजी सामने आने लगी है। इसी बीच विधायक हरदीप सिंह डग द्वारा भी AICC की प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। देखो कागज कर देता है। नहीं, ये बिल्कुल हमें
मोबाइल पड़े हैं। अरे हथियार क्या है, किसान आंदोलन देखा कि नहीं? हथियार देख देख के पकड़ पकड़ सेब में रख लो, सेबी भी बिगाड़ देते हैं हमारे वाले, फिर आठ बजे के अच्छे ना। जो समन्वय की बात करते, आप जैसे लोग हो आपको बना देते, जिसने बिखराव जिसने बिखराव की राजनीति करी है, खुल्ला में खुल्ला चुनाव लड़ा, फिर उस उसको लपेटा दिया हमें, कार्यकर्ता तो आज करो ऐसे ऐसे निर्णय से, तो खबर तो भेज ही रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे? चलिए बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद, कोई बात नहीं, चलो अब धन्यवाद धन्यवाद। ना उनके प्रति कोई रोष है कि जो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं? जो ग्राम पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव वो नहीं जीते, वो भी अगर विरोध कर रहे हैं तो ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू जी को तो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्षों तक पदाधिकारी रहे, सांसद रहे, एमएलए रहे, सब रहे। जब पार्टी उनको स्वीकार कर सकती है, उनको मंत्री बना सकती है, उनको अपना स्टार प्रचारक बना सकती है, और आप ज़्यादा दूर मत जाओ। अभी हाल राजनीति के अंदर क्या क्या होता है, अभी हाल चार दिन पहले की बात है, कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए, जेडीएस और कांग्रेस साथ नहीं लड़ी। नहीं, मैं पीछे हटने वाला कौन होता हूँ? मुझे जवाबदारी दी गई, मैं उससे भागने वाला कौन होता हूँ? भाई मेरे को जो जवाबदारी दी गई उससे मैं क्यों पीछे भागूंगा? नहीं, कार्यकर्ता कौन, कार्यकर्ता के डेफिनेशन क्या? तो भैया कांग्रेस केवल दो या चार जनों से नहीं बनती है, कांग्रेस महागंगा सागर है, कांग्रेस महागंगा सागर है, इसके अंदर हजारों कार्यकर्ता हैं। मात्र अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो उनके अपने कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, है ना? अगर यही बात रघुराज सिंह के खिलाफ भी कोई चुनाव लड़ा है, दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है, और अभी हाल कितने कल्पना परुलकर मेरे सामने चुनाव लड़ी थी लोकसभा की, ये कांग्रेस के अंदर शामिल होकर कांग्रेस के धरने पर पीपला बैठी हुई है, है ना? आज कमलनाथ जी ने सीधा संदेश दिया है कि हमको सब एक होना है, बीजेपी के लोगों को हम ले रहे हैं भैया, कांग्रेस के लोगों को जो रूट के चले गए उनको ले रहे हैं। भैया मेरे को तो जो काम सौंपा गया है मैं बहुत शिद्दत से और अपनी क्षमता से दुगना करके उस काम को बताऊंगा, और हाईकमान ये रियलाइज़ करेगा कि जो हमारा निर्णय था वो बहुत उचित था और ये होगा। देखिए 1980 से मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य रहा, कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ, और कई पदों पर रहा हूँ। मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ, लोकसभा का मैं दो बार चुनाव लड़ा हूँ। 1999 के अंदर मुझे पहली बार टिकट मिला था, और उसके बाद 2004 के अंदर जब कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था और कांग्रेस की स्थिति उस समय इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, कोई उम्मीदवार नहीं था, तो कांग्रेस के द्वारा ये सीट एनसीपी को समझौते में दे दी गई थी, और कल्पना परलकर को एनसीपी के उसको समर्थन देकर उनको उम्मीदवार बना दिया गया था। ऐसे समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेरे से ये अनुरोध करा कि चूंकि आप जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये सीट ज़बरदस्ती एनसीपी को जा रही है, भले ही चुनाव हार जाएं लेकिन ये सीट नहीं जाना चाहिए। तब मैंने हाईकमान को इस बात के लिए, आदरणीय सिंधिया जी को इस बात के लिए कन्विंस करा कि महाराज ये सीट अगर चली गई तो ये हमेशा का टंटा हो जाएगा और एनसीपी बार बार यहाँ पे सीट पे क्लेम करेगी। उस समय एनसीपी की दावेदारी ख़त्म करके मैं खुद चुनाव लड़ा,
अपने संसाधन से लड़ा, जिन लोगों ने मदद करी उनका शुक्रिया, जिनने नहीं करी उनका शुक्रिया। मैं चुनाव हारा लेकिन कांग्रेस की दावेदारी उस सीट पर मजबूत बरकरार रही और उसी का प्रतिफल था कि मुझे ऐसा लगा कि 2009 के अंदर जब चुनाव हो गया कि मुझे उस परिस्थिति और उस संघर्ष का परिणाम मिलेगा और मुझे टिकट मिलेगा। और उस समय चूँकि मुझे टिकट नहीं मिला और मीनाक्षी जी को टिकट मिल गया, थोड़ा सा मन उद्वेलित था। और हमारे कई कांग्रेस के वरिष्ठ जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन लोगों ने और हमने सबों ने उन्होंने एक मीटिंग करी, मुझे बुलाया और की कि नहीं आपका था। और उस समय एक भावावेश के अंदर मेरे से एक गलत निर्णय हुआ कि उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ लिया जिसने मुझे दो दो बार दिया, और वो मेरी गलती थी। और मैंने जिससे गलती हुई थी उसके सामने मैंने जाके विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग ली। मीनाक्षी ने भी कहा एक से भैया कोई बात नहीं, आपको और हमको साथ काम करना। मैंने उसके बाद भी की कि मेरी हस्तलिखित राइटिंग के अंदर मेरी क्षमा है, आप तो इसको स्वीकार कीजिए, और उन्होंने कि हम साथ काम करेंगे। उसके बाद उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने पीसीसी के अंदर भी आवेदन दिया लेकिन 2000 मुझे लगा कि इनका कोई इसमें रुचि नहीं है। तो 2006 साल तक जो मेरा निष्कासन था, मैं 6 साल तक शांत बैठा रहा। और 6 साल के बाद जब 2015 आया तो आदरणीय महेंद्र सिंह जी साहब जो पूर्व मंत्री रहे और विधायक थे, उन्होंने मुझे विधिवत 27 दिसंबर 2016 को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। उसके बाद मेंबरशिप चली तो 15 मई 2017 को मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बाकायदा सदस्य बन के आया हूँ और मेरे पास वहाँ का पूरा रिकॉर्ड है। और मैं खाली सदस्य नहीं, साधारण सदस्य नहीं, मैं सुपात्र सदस्य बनकर भी आया, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है ना। अब मैं ऑलरेडी कांग्रेस में था। 2018 के विधानसभा चुनाव देख के कांग्रेस पूरी चुनाव मोड पे है, आक्रामक तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमारी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का पूरा फोकस ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से अपदस्त किया जावे और कांग्रेस की सरकार बने। उसके रेफरेंस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा कुछ कमेटियों का कल गठन किया और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर मुझे मेंबर बनाया गया। अब कुछ अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध की मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्यों विरोध कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। और मुझे तो अभी कुछ लोगों ने ये कि साहब एक वो लोग भी विरोध कर रहे हैं जो खुद ही निष्कासित हो गए थे बाकी चुनाव लड़ने के लिए, तो इसके अंदर कोई लॉजिक तर्क मुझे समझ में नहीं आता। अभी बात इसकी है कि वो और हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों का सामना करें, कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस को ताकत से सरकार में लाने का काम करें, ये होना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी की अनुमोदित सूची है, वो मेरे पास है अगर आप देखना चाहें तो, अनुमोदित सूची। अब उनके निर्णय को चुनौती अगर कोई दे रहा है तो ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर है, इसके लिए मैं टिकट टिप्पणी करने वाला कोई नहीं। दूसरी बात, मेरा उल्टा प्रश्न आपसे, जबकि आज प्रश्न करने का अधिकार केवल आपका और मुझे उत्तर देना है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आप लोगों से पूछ लेना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि असंतोष कितना है और खुशी कितनी है। आम कार्यकर्ता, आम किसान, आम व्यापारी, आम जन, वो तो सब खुश हैं कि चलो कोई ऐसा व्यक्ति आया जो हमको मदद करेगा। आप कम से कम मदद करने की तो परिपाटी शुरू होगी। और अगले 5-10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर एक ज़बरदस्त आपको बदलाव लगेगा और इस प्रकार का काम होगा कि बीजेपी अगले बगले झाँकने लग जाएगी। इसके लिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुझे काम करना है। कांग्रेस के आपसी अंतर्कल का सवाल नहीं है। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ इन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था। उस दौरान पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था। ठीक उसके पश्चात 2013 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों, मुझसे प्रत्याशियों के विरुद्ध में इन्होंने कार्य किया। इनका हमेशा से समन्वय की राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है। और जब कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो समन्वय समिति की जो सूची जारी हुई है उनमें उनके नाम आने से निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस लगी है। इसके विरोध स्वरूप उन्होंने अपने पदों से इस्तीफे सौंपे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस निर्णय से मुझ जैसे अनेक
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है इस निर्णय से। हमने हाईकमान से अनुरोध किया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जी से, बाबरे जी से, कमलनाथ जी से हमने अनुरोध किया है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। उनको अगर पार्टी में लेती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तत्काल उनको, निष्कासित व्यक्तियों को तत्काल समन्वय समिति का सदस्य मनोनीत करना, ये कहीं ना कहीं निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर वो ठेस आघात पहुँचा है। इसलिए मैंने स्वयं ने सबसे पहले निर्णय लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा है, इन्होंने कभी भी मंदसौर ज़िले में समन्वय की राजनीति नहीं करी है, इन्होंने हमेशा विघटनकारी राजनीति करी है, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। इस स्वरूप मैंने मेरे जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा सौंपा है और मैं एक कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी के निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूँगा। और आगामी 6 जून के दिन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी की जो सभा मंदसौर ज़िले के पिपला मंडी में होने जा रही है, उसकी तैयारियों में हम लोग ज़ोर ज़ोर से लगे हुए हैं। और कल 24 तारीख के दिन प्रदेश के प्रभारी संजय कपूर जी और जीतू पटवारी जी पिपला मंडी की सभा में आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और ये इसको हम लोग उचित मंच के माध्यम से भी उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी का हम लोग काम सदैव करते रहेंगे। अनेक लोगों ने अपने अपने इस्तीफे सौंपे हैं। गुरुबाई जी जैसा कोई सवाल नहीं, बात इस बात की है कि जिस व्यक्ति ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के ठीक उपरांत निलंबन की अवधि समाप्त नहीं हुई, उससे पहले ही 2013 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खुला काम किया, ये इस बात का प्रमाण है कि इनके आचरण में, इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऊपर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनको समन्वय समिति का सदस्य बनाकर जो इन घोषणा की है, इससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो जमीनी सत्ता की जो कार्यकर्ता हैं मैदानी स्तर के, वो बिल्कुल डटे हुए हैं और आने वाले समय में हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के आने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। सरकार निश्चित रूप से बनेगी, ये कोई लड़ाई वाला मामला नहीं, ये आंतरिक मामला है और ये इसको संगठन स्तर पर हमने हमारी जो हम लोगों ने जो मांग करी वो उचित मंच के माध्यम से हमने पहुंचाई है। हमें विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी निर्णय लेगी। हमने पार्टी स्तर पे हमारी बात को रखा है, हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस के संगठन पे, हमारे वरिष्ठ नेताओं पे, कि ये अकेले मेरी भावना नहीं है, यहाँ के पूरे मंदसौर नीमच ज़िले के हज़ारों कांग्रेस के मैदान। SRM Today, शहर की आवाज़।